नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर ट्वेल्व है और हम सॉल्व करने वाले हैं राइट साइड व्यू ऑफ बाइनरी ट्री तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि राइट साइड व्यू कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है और ये भी देखेंगे अगर क्वेश्चन में लेफ्ट साइड व्यू पूछा जाता है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो का जो प्री रेक्विजिट है वो है लेक्चर टेन लेवल ऑर्डर ऑर्डरसल बेसिकली हम लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ही करने वाले हैं और एक माइनर सा चेंज करेंगे तो हमें लेफ्ट व्यू और राइट right व्यू मिल जाएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जाकर पहले लेक्चर टेन वाली वीडियो देखिए फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और अगर आप उसके राइट right साइड में खड़े हुए हैं तो आपको बताना है कि राइट साइड व्यू क्या है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यह बोला गया है अगर आप राइट right साइड में खड़े हैं तो आपको क्या दिखेगा तो आपको सबसे पहले लेवल जीरो पे वन दिखेगा और लेवल वन पे आपको थ्री दिखेगा हर लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट दिखेगा और लेवल टू पे आपको फोर दिखेगा तो बेसिकली हो क्या रहा है लेवल जीरो पे वन है और लेवल वन पे जो थ्री है उसने बेसिकली उससे पहले के जितने एलिमेंट है उसका व्यू को ब्लॉक करा है फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टू है वो बेसिकली ब्लॉक हो चुका है क्योंकि हमारा जो थ्री है वो राइट मोस्ट एलिमेंट है तो उसने टू को ब्लॉक कर दिया है तो हर लेवल पे जो लास्ट एलिमेंट है और हर लेवल पे जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो आपको प्रिंट करना है तो यही हमारा क्वेश्चन है और इसी को बोलते हैं राइट साइड व्यू ऑफ बाइनरी ट्री तो इंट्यूशन बहुत ही सिंपल है आपको करना क्या है आपको लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है क्योंकि हर लेवल का राइट right मोस्ट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो शुरू करते हैं यूज लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल एंड प्रिंट लास्ट नोड ऑन ईच लेवल सबसे पहले आप क्या करेंगे वन को प्रिंट करेंगे क्योंकि वन हमारा लास्ट एलिमेंट है लेवल जीरो पे फिर नीचे आते हैं फिर लेवल वन पे हमारा टू एंड थ्री है बट हमें सिर्फ लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम टू को हटा देंगे और उसके नीचे हमारे पास फाइव एंड फोर है बट हम प्रिंट करेंगे ओनली फोर को फाइव को हटा देंगे तो ये हमारा राइट साइड व्यू है बाइनरी ट्री का और अगर आपसे लेफ्ट साइड व्यू पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे हर लेवल का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे मतलब पहले एलिमेंट को प्रिंट करेंगे जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है और बाकी एलिमेंट आप इग्नोर कर सकते हैं और राइट साइड व्यू में हर लेवल के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे दोनों क्वेश्चन सिमिलर है इस इसलिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि दोनों का कोड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और कोड में भी हम देख लेंगे कि अगर लेफ्ट साइड पूछा जाता है तो आपको क्या चेंज करना है तो अब सीधे कोड पे आते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुरू करते हैं कोड करना तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा चुका है फेसबुक एमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट में तो हमें बेसिकली रिटर्न टाइप हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है हर लेवल का जो लास्ट एलिमेंट है वो आपको इस लिस्ट में ऐड करना है तो जल्दी से एक लिस्ट बना लेते हैं बेसिकली हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल ही कर रहे हैं और हमने लेक्चर टेन और इलेवन में दोनों में सेम कोड कराए एक क्यू बना लेते हैं क्योंकि लेवल ऑर्डर रिवर्सल में हम क्यू का यूज़ करते हैं इसका टाइप ट्री नोड होगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब हमें क्या करना है अब हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी है फॉर एग्जांपल अगर आपका जो रूट है वो नल है तो हम ट्रिवर्स नहीं करेंगे हम एम लिस्ट को रिटर्न कर देंगे और मैंने बताया था बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है सारे केस हैंडल करना और इंटरव्यू में आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलते हैं अब आप क्या करेंगे बेसिकली क्यू में ऐड कर देंगे अपना रूट और यहाँ पर हम ट्रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे कब तक करेंगे जब तक क्यू का साइज हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा और हर लेवल का लास्ट एलिमेंट आपको क्या करना है लिस्ट में ऐड करना है तो लेवल्स को अलग कैसे करेंगे ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्यू का साइज कैलकुलेट कर लेते हैं और हर लेवल को अलग करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं अभी इस समय क्यू में एक सिंगल एलिमेंट है लेकिन हम फॉर लूप से ये जितने भी एलिमेंट हैं अलग कर सकते हैं फॉर लूप में अभी लेवल जीरो के एलिमेंट होंगे नेक्स्ट टाइम फॉर लूप में हमारे लेवल वन के एलिमेंट होंगे नेक्स्ट टाइम लेवल टू के एलिमेंट होंगे तो इस तरीके से ये एलिमेंट अलग होते रहेंगे अभी जितने भी एलिमेंट लेवल जीरो के होंगे वो हमने फॉर लूप से अलग कर लिया अब हम पॉप करना स्टार्ट करेंगे इसको नोड नाम दे देते हैं क्यू डॉट पोल और एक कॉमन स्टेप्स होता है क्या होते हैं कॉमन स्टेप्स कि अगर आपका जो नोट डॉट लेफ्ट है नॉट इक्वल टू नल तो उसे क्यू में ऐड कर देंगे क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड को क्यू में ऐड करना होता है लेफ्ट के बाद हम राइट right भी ऐड कर देंगे नोट डॉट लेफ्ट और इसी तरीके से राइट right भी ऐड कर लेंगे यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा यहाँ राइट right कर देते हैं और अब हमें क्या करना है अगर आप राइट व्यू कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आप लेफ़्ट व्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें क्या करोगे राइट right व्यू में क्या होगा हमने फॉर लूप से लेवल को अलग कर लिया था तो अगर हम बोलेंगे आई इज इगल टू एन माइनस वन मतलब लास्ट एलिमेंट है हमारा उस लेवल का तो हम उसे लिस्ट में सेव कर सकते हैं उसकी इंटीजर वैल्यू सेव करनी है और इसी तरीके से अगर लेफ़्ट व्यू में क्या करेंगे यहाँ बस थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ हम ज़ीरो कर देंगे कि हर लेवल का जो पहला एलिमेंट है वो हमारा लेफ़्ट व्यू होगा तो हम उसे लिस्ट में सेव कर देंगे और बाकी एलिमेंट को हम सेव नहीं करेंगे तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद सबसे लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न भी कर देंगे जो हमारी लिस्ट है उसे रिटर्न भी करना होगा एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं जल्दी से और एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं सक्सेसफुली हमारा कोड सबमिट भी हो रहा है अब जल्दी से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमने लेवल ऑर्डर रिवर्सल यूज़ किया है सारे नोड्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंडीशंस हैं कंडीशंस क्या हैं कि अगर आप आउटपुट स्पेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो बेसिकली आउटपुट के लिए आपने एक लिस्ट को क्रिएट किया है तो आप ये अपने इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आप नहीं करते आउटपुट स्पेस तो हमने ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है और अगर आप इस लिस्ट को काउंट करना चाहते हैं तो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट सेव हो रहे हैं हमें इस पर फोकस करना होगा तो एक एग्जांपल देता हूँ वर्स केस में क्या हो सकता है कि हमारा ट्री कुछ इस तरीके से है पहले रूट एलिमेंट वन है फिर हमारा टू है फिर हमारा आप देखेंगे थ्री है तो हमारा ट्री इस तरीके से कुछ है और हर लेवल पे एक एलिमेंट है और हर लेवल पे आप देखेंगे सिंगल एलिमेंट है और यही हमारा लास्ट एलिमेंट है तो इस केस में हमारी लिस्ट में हमें सारे एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सारे एलिमेंट राइट व्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स केस में हमारी बिग ऑफ एन हो जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल ऑर्डर टिवर्सल बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर्सल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और उसके बाद उसी ट्रिवर्सल पे हमारे टॉप व्यू और बॉटम व्यू जो है दो क्वेश्चन बेस्ड हैं उन दोनों को सॉल्व करेंगे ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच